ये जान के होश उड़ जाएंगे कि जानबूझ के दो दिन सिर्फ इसीलिए काटा गया है ताकि साल में 4000 करोड़ का फायदा हो। मैं अभी ठीक मुंबई में जियो ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, वो जियो ऑफिस जिसे बनाने के लिए 21 अरब रुपए खर्च हुए हैं। और मैं इस ऑफिस में यही सवाल पूछने गया था कि जब पूरे वर्ल्ड में महीना 30 दिन का होता है, हर टेलीकॉम कंपनियों का महीना 30 दिन का होता है, यहाँ तक से कि अमेरिका की जो वेरिजॉन कंपनी है, यूके की जो वोडाफोन और O2 5 कंपनी है, वो भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं और उन कंपनियों का भी महीना 30 दिनों का होता है, तो फिर किस लिहाज से आप लोगों का महीना 28 दिन का होता है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देना तो दूर की बात, उन लोगों ने कहा कि आप सवाल यहाँ मत पूछिए और बाहर भी वीडियो मत बनाइएगा। लेकिन मैं पूछूंगा, ट्राई ने एक विज्ञप्ति जारी किया, ट्राई ने सुझाव पत्र जारी किया और बहुत सारे RTI दायर किए गए पार्लियामेंट में। जब ये सवाल उठा कि महीना बढ़ा के 28 दिन से 30 दिन किया जाए, फिर भी इन कंपनियों ने महीना क्यों नहीं बढ़ाया? मैं पूछना चाहता हूँ जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी से, आइडिया वोडाफोन आइडिया के मालिक मंगलम बिरला जी से और एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल से कि सर जी किस लिहाज से आप लोगों का महीना सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का होता है? जानते हैं सर क्यों होता है? अगर मैं इसकी हकीकत बताऊंगा तो आप सबके होश उड़ जाएंगे, ये जान के होश उड़ जाएंगे कि जानबूझ के दो दिन सिर्फ इसीलिए काटा गया है ताकि साल में 4000 करोड़ का फायदा हो। यहाँ तक से कि आपका वोडाफोन जो यहाँ पे 28 दिन का महीना देता है, वही वोडाफोन वहाँ पे यूके में महीना 30 दिन का देता है और यहाँ पे 28 दिन का देता है। तब हमें ये सवाल पूछना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा दोहरी नीति क्यों? जब ये लोग 28 दिनों का इन लोगों का महीना होता है तो उस लिहाज से इन लोगों का एक साल में 13 महीना होता है और 13 महीने यानी एक महीने में ये लोग कम से कम 4000 करोड़ का फायदा कमाते हैं। यही वजह है कि सरकार भी साथ देती है और सरकार भी पीछे से कहीं ना कहीं माल जरूर लेती है, नहीं तो इतने सारे कंप्लेन होने के बाद, ट्राई के सुझाव पत्र जारी करने के बाद और इतने सारे RTI दायर करने के बाद कोई भी कंपनी हिल जाती और उसको अपना महीना जो 28 दिन का उसने रिचार्ज करने का रखा है उसे बढ़ा के वो 30 दिन करती। लेकिन सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की क्योंकि सरकार भी उसी 4000 करोड़ की हिस्सेदार है और ये 4000 करोड़ इसलिए है, मान लीजिए जियो के 20 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 20 करोड़ यूजर्स हैं और 20 करोड़ यूजर्स मात्र 200 का रिचार्ज कराते हैं, मतलब कि एक महीने में 4000 करोड़ ये लोग कमा रहे हैं और ये 4000 करोड़ एक साल का प्रॉफिट है। और यही वजह है कि सरकार भी साथ दे रही है, टेलीकॉम कंपनियाँ की बल्ले बल्ले हैं ही और कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। लेकिन मैं सीधे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग साथ दे देंगे तो इन कंपनियों को दिन भी बढ़ाना पड़ेगा और रिचार्ज का दाम भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नियम और कानून नहीं है कि आपकी जैसी मर्जी वैसे करेंगे और ट्राई के नियमों का भी उल्लंघन करते रहेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ भी खेलते रहेंगे और उनका खून भी चूसते रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है, देखने के लिए धन्यवाद।